तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। तो आज की हमारी वीडियो में मैं नरेट करूंगा चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसे अपनी भाषा में मैं बोलूं तो बहुत उम्मीदें, बहुत सी उम्मीदें। ये एक क्लासिक नॉवेल है जिस पर हमारे बॉलीवुड में फितूर नाम की एक मूवी बन चुकी है। मैंने वो फिल्म देखी नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस नॉवेल को पढ़ना उस फिल्म को देखने से ज्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर इस नॉवेल की बात करूं तो इसकी स्टोरी मुझे अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बेस्ट स्टोरी लगी है। ये एक पिप नाम के लड़के की कहानी है जिसमें उसके बचपन से लेकर के जवानी तक की कहानी को बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदों को जन्म दे लेता है और बाद में वो उम्मीदें टूट जाती है। दोस्तों ये नॉवेल जो है ये एक फर्स्ट पर्सन नरेशन है। इस कहानी का हीरो पिप जो है वो इस पूरी कहानी को सुनाता है। इस नॉवेल की सेटिंग कैंट और लंदन दो जगहों पर रखी गई है और अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो अर्ली 19th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक इसका टाइम पीरियड है। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी नॉवेल, लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस नॉवेल के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है तो हम कैरेक्टर लिस्ट पहले डिस्कस नहीं करेंगे, चलती हुई स्टोरी के साथ साथ मैं आपको कैरेक्टर बताऊंगा। तो अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है पिप नाम के एक अनाथ बच्चे से जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहता है। क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ है, तो वो अपनी एक गुस्सेल बहन के साथ रहता है। अब इस पिप की बहन तो है गुस्सेल और इसका जीजाजी जो है वो इससे बहुत फ्रेंडली है। इसके जीजाजी का नाम है जो, जो कि इस गांव में एक लुहार का काम करता है। पिप भले ही जो से उम्र में बहुत छोटा हो लेकिन ये दोनों जीजा साला होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अभी तक तीन कैरेक्टर आ चुके हैं, पहला पिप जो कि एक अनाथ बच्चा है, दूसरी उसकी दीदी और तीसरा उसका जीजा जी। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एक शाम, क्रिसमस की शाम को पिप अपने माता पिता की कब्र पर जाता है, छुपता छुपाता बचता बचाता। वहां उसे एक अपराधी मिलता है जेल से भागा हुआ जिसके हाथ में हथकड़ी होती है। वो अपराधी पिप को डराता है और कहता है कि मेरे लिए अपने घर से कुछ खाने को लेके आओ और मेरे हाथ में जो हथकड़ी पहनी हुई है इसको काटने के लिए अपने घर से कोई हथियार लेके आओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दोस्तों पिप एक छोटा साफ दिल का बच्चा है तो वो अपने घर पे जाता है और जा करके अपनी बहन के घर से खाना और अपने जीजाजी के गोदाम से काटने के लिए कुछ कटर लेके आता है चोरी करके। पिप उस अपराधी को वो कटर और खाना दे करके वापस आ जाता है। अब दोस्तों अगला दिन होता है। अगले दिन पिप और उसका जीजा जो, जो कि उससे बहुत फ्रेंडली है, वो दोनों देखते हैं कि कुछ सिपाहियों ने उस अपराधी को पकड़ लिया है। जब वो अपराधी एक दूसरे अपराधी से दलदल में लड़ रहा था, उसे सिपाहियों ने पकड़ लिया है। अब दोस्तों उस अपराधी ने सिपाहियों के साथ जाते जाते उन सिपाहियों का, रुको रुको मुझे इस बच्चे को धन्यवाद करने दो क्योंकि कल इसने मुझे खाना खिलाया था। तो वो वहां से जाते जाते पिप को खाना लाने के लिए धन्यवाद दे करके जाता है। अब दोस्तों इस अपराधी का नाम मैगविच था। अब इसका नाम आगे आएगा सो प्लीज याद रखना। अब थोड़ी देर के लिए इस कहानी को भूल जाओ। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस गांव में पिप और उसकी बहन और उसका जीजा रहते हैं उसी गांव में पिप के घर से थोड़ा सा दूर एक सनकी पैसे वाली बुढ़िया रहती है। मतलब इतनी भी बुढ़ी नहीं है, थोड़ी अधेड़ है लेकिन ये थोड़ी सी सनकी है और इस सनकी औरत का नाम है मिस हैविसम। मिस हैविसम 2400 घंटे एक वेडिंग ड्रेस पहन के रखती है। ये ड्रेस उसने 20 सालों से पहन के रखी है। 20 साल पहले मिस हैविसम का मंगेतर जो है वो शादी वाले दिन उसको धोखा देकर के भाग गया और वो शादी के कपड़ों में 20 सालों से वैसे की वैसे ही है। अब इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा समय बीता, एक पिप का अंकल है वो पिप की बहन को जाकर के बोलता है कि तुम्हारा जो भाई पिप है इसको मैं मिस हैविसम के घर पे काम पे लगा सकता हूँ, वहां पर एक बच्चे की जरूरत है और तुम चाहो तो वहां पे पिप को भेज सकते हैं। तो पिप की गुस्सेल बहन फटाफट से मान गई। अब पिप जो है मिस हैविसम के घर गया। वहां पे वो मिस हैविसम की एक सुंदर सी अडॉप्टेड बेटी एस्टेला से मिलता है। सीधी सी बात है वो बेटी मिस हैविसम की तो नहीं हो सकती, अडॉप्टेड ही होगी क्योंकि मिस हैविसम की तो शादी नहीं हुई, उसकी तो शादी के दिन ही उसका जो मंगेतर है वो उसको छोड़ के भाग गया था। तो मिस हैविसम क्या है, मर्द जाति के प्रति घृणा से भर गई। वो बस
बदला लेना चाहती है। कोई भी इंसान, कोई भी मर्द हो, उससे बदला लेना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह से मेरा दिल टूटा, उस तरह से संसार के हर एक मर्द का दिल टूटे। वो एस्ट्रेला को बड़ा इसलिए कर रही है ताकि वो मर्दों का दिल तोड़ सके। वो एस्ट्रेला को सिखाती है कि संसार के सभी आदमी ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो एस्ट्रेला के मन में संसार के सभी मर्दों के लिए घृणा भर रही है। तो अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। पिप जो है वो एस्ट्रेला से मिलता है, वो उससे मिलते ही प्रेम करने लगता है, जबकि एस्ट्रेला पिप को पसंद नहीं करती, उससे घृणा करती है, लेकिन पिप को तो उससे प्यार हो जाता है। लेकिन एस्ट्रेला को ऐसे लगता है कि पिप बहुत ही गंदा सा गरीब लड़का है और वो उसे पसंद नहीं होता, तो वो उसे साफ साफ बोल देती है। तो पिप को इस बात का अफसोस होता है कि वो क्यों एक मामूली सा लोहार है। अब उसे थोड़ी थोड़ी अपने स्टेटस से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो एस्ट्रेला के लायक नहीं है। अब वो पढ़ना लिखना चाहता है और खुद को एस्ट्रेला के लायक बनाना चाहता है, और अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ वो खुद को एस्ट्रेला की तरफ बहुत ही उत्तेजित महसूस करता है। अब दोस्तों, कहानी में होना क्या था, वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने छोटे स्टेटस से नफरत करने लगा और पढ़ लिख कर खुद को एस्ट्रेला के बराबर लाना चाहता था। तो दोस्तों, अब इस कहानी में क्या होता है कि जो है इसका जीजा, उसके साथ एक आदमी काम करता है जिसका नाम है ऑर्लिक। वो क्या है, जो से थोड़ी सी नफरत करता है। उसने क्या है, जो से घृणा के चक्कर में एक दिन पिप की जो बहन है उस पर सर पे मार करके हमला किया, कोई चीज थी उससे मार करके हमला किया, जिससे उसकी गुस्सेल दीदी की याददाश्त चली गई। तो पिप की एक दोस्त है बिड़ी नाम की, उसने पिप की बहन की बहुत सेवा की। ये बिड़ी पिप को बहुत पसंद करती है, लेकिन पिप चाहता है एस्ट्रेला को। तो पिप को थोड़ा थोड़ा शक तो होता ही है कि ऑर्लिक ने जो है उसी ने ही मेरी बहन पे हमला किया है, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं होता। अब दोस्तों, एक रात क्या होता है, मिस्टर जैगर्स जो कि एक लॉयर है, वो पिप को आकर के बोलता है कि एक गुमनाम सहायक ये चाहता है कि पिप तुम पढ़ो लिखो, एक जेंटलमैन बनो जिसका सारा खर्चा वो गुमनाम सहायक उठाएगा। तो इस बात को सुन करके पिप की तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि पिप तो पढ़ना लिखना चाहता था, एस्ट्रेला के बराबर आना चाहता था। तो पिप ने ये अज्यूम किया, ये सोचा कि ये गुमनाम सहायक कहीं मिस हैविसम तो नहीं, तो कोई भी हो हमको क्या करना है। लेकिन फिर भी एक तरह से उसकी लॉटरी लग गई, जैसा कि मैंने बताया था, तो वो तो लंदन जाने को फटाफट तैयार हो गया, लेकिन अपने पीछे वो जो और बिडी को नाराज छोड़ गया, क्योंकि जो और बिडी नहीं चाहते थे कि वो लंदन जाए, पिप उनको छोड़ करके जा रहा था। तो वो एक बंदा था मैथ्यू पॉकेट नाम से, उसके साथ लंदन चला गया। लंदन में पिप मैथ्यू पॉकेट के बेटे हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता था और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब उसे लंदन में रहते हुए टाइम भी बहुत हो चुका था और उसने लंदन में हर्बर्ट के अलावा भी काफ़ी दोस्त बना लिए थे। जब लंदन में रहते रहते कुछ टाइम बीता तो उसकी आदतें कुछ बिगड़ गई, मतलब वो खर्चीला हो गया, खर्च बहुत ज़्यादा करने लगा। माना कि उसके पास पैसा ऐसी जगह से आ रहा था, उसे मालूम भी नहीं था कोई उसकी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतना खर्चा करने लगा कि पूछो मत। अब इतना खर्चा करने के बाद वो कर्जे में डूब गया। अब क्या हुआ, एक दिन उसका ब्रदर इन लॉ जो उससे मिलने लंदन आया, तो उसने जो से एकदम रूखा, एकदम पराया जैसा बर्ताव किया। भाई कहाँ तो वो एक उसका अच्छा दोस्त था और कहाँ आज उससे ढंग से बात तक नहीं करता वो, और आखिर जो बेचारा अपने गांव वापस चला गया। लेकिन दोस्तों, इस बीच पिप कभी भी जो से मिलने उस गांव में नहीं गया, जब तक कि उसे ये पता नहीं चला कि उसकी बहन जो है उसकी डेथ हो गई। पिप की जो गुस्सेल बहन थी जिसकी बिडी सेवा कर रही थी, उसकी डेथ हो चुकी है। तब जाकर के पिप उस गांव में अपनी बहन के फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार में आया और आकर के वापस लंदन चला गया। अभी भी उसके मन में उस गांव के लिए, वहां के लोगों के लिए, अपने जीजा के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब वो उनको बिल्कुल एकदम छोटा समझता था, लेकिन मिस हैविसम के लिए था, क्योंकि मिस हैविसम उसको लग रहा था मेरी सीक्रेटली मदद कर रही हैं। तो अभी इसका भी राज खुलने वाला है, इसका भी भेद खुलने वाला है कि सीक्रेटली इसकी मदद कर कौन रहा है। आपको याद है वो अपराधी जिसकी शुरू में इसने मदद की थी, उसको खाने को कुछ दिया था और उसकी हथकड़ी काटने को कुछ दिया था,
वो इसकी मदद कर रहा था। एक रात मैगविच यानी कि वो अपराधी इसके पास आया, पिप के पास में। उस अपराधी को क्या है, देश से बाहर निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो अब वो वापस आया है ऑस्ट्रेलिया में, उसने अच्छी खासी संपत्ति बना ली थी अपनी। अब वो वापस आया है पिप से मिलने। जब पिप छोटा था तब उसने उसे खाना खिलाया और उसका बदला ये इसको पढ़ा लिखा के जेंटल बना करके देना चाहता है। लेकिन पिप को ये बात जान करके बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी जो मददगार है, जो मेरी मदद कर रहा है, वो मिस हैविसम नहीं है, ये अपराधी है। कि एक अपराधी मेरी मदद कर रहा है जिसे देश से पता नहीं कब का निकाल दिया गया है, और सिर्फ इलीगली पिप से मिलने आया। वो उस अपराधी को देख करके डर गया। अब होना क्या था, वो गया मिस हैविसम के पास में और जाकर के पूछा क्या ये बात सही है। तो मिस हैविसम ने भी कहा हाँ ये बात सही है। और दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि एस्टला की भी अब तक शादी हो चुकी है। एस्टला ने ब्रेंटली ड्रम्बल नाम के एक अमीर लड़के से शादी कर ली है। पिप को इस बात का भी अफसोस हुआ। अब दोस्तों मिस हैविसम ने भी पिप से माफ़ी मांगी। उसने इस बात के लिए माफ़ी मांगी पिप से कि उसने एस्टला और तुम्हारा यूज़ किया अपनी सनक को पूरा करने के लिए। उसने पिप को यह भी बताया कि एस्टला उसकी खुद की बेटी नहीं है, जैगर्स ने उसे कहीं से उसे ला के दिया था। जैगर्स वही वकील था जिसने पिप को कहा था कि तुम्हारा अननोन जो कोई मदद करने वाला है, तुम्हें लंदन में पढ़ाना चाहता है, वही वकील था, याद है ना। तो मिस हैविसम पिप से माफ़ी मांगती है तो पिप उन्हें हाथों हाथ माफ़ कर देता है, कह देता है कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तभी मिस हैविसम के कपड़ों में आग लग जाती है, पिप उनको बचा लेता है लेकिन वो फिर भी मर जाती हैं। अब पिप फिर से लंदन लौटता है। वो सबसे पहले लंदन लौटने के बाद जैगर से मिलता है। जैगर से पूछता है कि तुमने एस्टला को, तुमने हैविसम को ला करके दिया था, लेकिन एस्टला तुम्हें कहाँ से मिली। तो जैगर्स उसको बताता है कि एस्टला जो है वो उसकी नौकरानी मॉली की बेटी थी। और दोस्तों इस मॉली का हस्बैंड पता है कौन है, वही अपराधी मैगविच। जो अपराधी मैगविच पिप की मदद कर रहा था ना सीक्रेटली, वही एस्टला के पिताजी हैं, यानी कि मॉली के हस्बैंड हैं। तो पिप उस अपराधी मैगविच के पास जाकर के बोलता है कि तुम्हारी बेटी जो है एस्टला वो जिंदा है, उसकी शादी हो चुकी है वगैरह वगैरह। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पुलिस ने वापस से अरेस्ट कर लिया है उस अपराधी को, क्योंकि वो इलीगली लंदन में आया था वापस, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अपराधी मैगविच भी ये बात जानकर के खुश होता है कि मेरी बेटी जिंदा है। लेकिन दोस्तों अब पिप के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। उसका लंदन में बहुत सारा कर्जा हो गया था, उसकी जो नवाबी शौक हो गए थे उसकी वजह से, और दूसरी क्या है, एस्टला के लिए जब वो पढ़ रहा था, एस्टला की भी अब शादी हो चुकी थी। उसने बार बार एस्टला को कहा कि मुझसे शादी कर लो वगैरह वगैरह, लेकिन एस्टला नहीं मानी। तो पिप तो अब ना घर का रहा ना घाट का रहा। ऊपर से उसने अपने जीजा ब्रदर इन लॉ जो की भी बहुत इंसल्ट की थी उसको, जब वो लंदन में मिलने आया था तब भी उसने इंसल्ट की थी, जब वो लंदन वो गाँव गया तब भी उसने इंसल्ट की थी। लेकिन जो पिप को अभी भी अपना दोस्त मानता था, वो वापस से लंदन आया, पिप के सारे कर्जे चुकाए और पिप को लेकर के गाँव गया। अब जब वो गांव पहुंचा तो गांव पहुंच करके उसने सोचा कि अब मैं बिडी से ही शादी कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों बिडी ने जो से शादी कर ली थी। अब पिप के लिए जो बिडी आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। अब पिप के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पिप बेचारा टूट गया था, उसकी जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी वो सभी टूट गई। उसको जो बड़ा आदमी बनना था, उसको एस्ट्रेला से शादी करनी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। एस्ट्रेला की भी शादी हो गई है, बिडी की भी शादी हो गई है, अब उसके लिए क्या बचा था। अब दोस्तों पिप ने क्या किया, 11 साल के लिए वो दूसरे देश चला गया कमाने के लिए, मर्चेंट बनने के लिए, यानी कि व्यापारी बनने के लिए। जो उसका दोस्त हर्बर्ट था ना उसके साथ वो अब्रॉड चला गया व्यापारी बनने के लिए। 11 साल तक उसने व्यापार किया वहाँ पे, लेकिन शादी नहीं की। अब 11 साल बाद जब वो वापस लौट करके आया तो एस्टला उसके सामने थी। उसने देखा कि उसी की कार्बन कॉपी जो और पिडी का बच्चा पिप सेकंड एस्टला के पास भागता हुआ जा रहा है। लेकिन उसने यही सोचा कि एस्टला यहाँ कैसे, इसकी तो शादी हो गई थी। तो एस्टला पिप से मिली और उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्रेम करते हो। क्योंकि दोस्तों एस्टला का जो अमीर हस्बैंड था ना ड्रम्बल, उसने क्या है कि एस्टला को मारता पीटता रहता था और वो क्या है कि घोड़े से गिर करके मर चुका था। और दोस्तों अब तक तो एस्टला का भी घमंड चूर हो गया था।
तभी तो उसने पिप से जाकर के पूछा, क्या तुम अभी भी मुझसे प्रेम करते हो? तो इस कहानी की हैप्पी एंडिंग कुछ इस तरह से हुई कि पिप और एस्टला दोनों हाथ पकड़ के गार्डन में चल रहे हैं और यहीं पे ही कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। पता नहीं चला कि क्या पिप और एस्टला की शादी हो गई, लेकिन इस कहानी में एक एंड में एक लाइन पढ़ी थी मैंने। वो लाइन कुछ इस तरह से थी कि जब वसंत बीत गया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज़ ओवर, जब वसंत बीत गया तो फूलों का क्या काम। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एस्टला भी अधेड़ हो चुकी थी और पिप भी अधेड़ हो चुका था, मतलब 11 साल उसने वहाँ पे मर्चेंट के रूप में बिताए और ज़िंदगी भर पिप कहता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।